पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। फायर है तू, वाइल्ड फायर है। तो दोस्तों, सुपरस्टार सूर्या और बॉबी देओल की फिल्म कंगवा ने हिंदी मार्केट में तो ठीक ठाक कमाई की, लेकिन इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है पूरी तरह से धमाकेदार हो चुका है। वही आपको बता दें कि दीपावली के मौके पर रिलीज हुई सुपरस्टार अजय देवगन की सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर अभी तक करती जा रही है धमाकेदार कमाई। लेकिन दोस्तों, भूल भुलैया 3 के भी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो सिंघम अगेन के बराबर के टक्कर में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस के जितने भी रिकॉर्ड से वो पूरी तरह से ध्वस्त करने को तैयार है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कंगवा के वर्ल्ड वाइड 5 दिनों के कलेक्शन के बारे में, वही सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन और कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 के भी 18 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ बात करने वाले हैं पैन इंडिया स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनीस बज्मी ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन। बताना चाहूंगा दोस्तों, हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 को दीपावली के मौके पर यानी कि 1 नवंबर को रिलीज किया था और इस फिल्म को सिनेमाघरों में इस वक्त चल रहा है 3रा हफ्ता। अब दोस्तों, कमाल की बात यह है कि यहां पर भूल भुलैया 3 के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो पहले हफ्ते में सिंघम अगेन से कम रहे थे, वही दूसरे हफ्ते में इस फिल्म के कलेक्शन सिंघम अगेन के बराबर आने लगी। लेकिन दोस्तों, 3रा हफ्ता जैसे ही शुरू हुआ, भूल भुलैया 3 के जो कलेक्शन है वो सिंघम अगेन से भी अब बेहतर होने लग चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 में है, वही दूसरी तरफ अजय देवगन, अक्षय कुमार और बहुत सारे स्टार कास्ट से सजे सिंघम अगेन है। लेकिन फिर भी यहां पर भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी फिल्म के सामने काफी शानदार कमाई कर चुकी है और यह फिल्म कार्तिक आर्यन के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भूल भुलैया 3 जिसका बजट लगभग 150 करोड़ रुपए है, लेकिन दोस्तों यह फिल्म दुनिया भर में 400 करोड़ के आंकड़े के बिल्कुल करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो जाएगा। हालांकि बात करें यहां पर भूल भुलैया 3 के अब तक के यानी कि 18 दिनों के वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने शुरुआती 16 दिनों के अंदर ही इंडिया नेट कलेक्शन 245 करोड़ 3 लाख रुपए का कर लिया था। वही फिल्म ने अपने तीसरे रविवार यानी कि 17वें दिन 6 करोड़ 48 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। हालांकि बात करें आज यानी कि 18वें दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों आज है मंडे, जिसके चलते इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी कल के मुकाबले 40% ड्रॉप हो चुकी है। वही आज से टिकट रेट्स भी कम हो चुके हैं, जिसके चलते ही ये फिल्म अपने 18वें दिन लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों, भूल भुलैया 3 का शुरुआती 18 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 254 करोड़ 61 लाख रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 302 करोड़ 98 लाख रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 80 करोड़ 43 लाख रुपए की टोटल कमाई की है। इसी के साथ दोस्तों, भूल भुलैया 3 का शुरुआती 18 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 383 करोड़ 41 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, फिल्म दुनिया भर में 383 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है और बहुत ही जल्द यह फिल्म दुनिया भर में 400 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर देगी। बताना चाहूंगा दोस्तों, भूल भुलैया 3 बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है एक ब्लॉकबस्टर है। वही दोस्तों, अब अगर बात करें दीपावली के ही मौके पर रिलीज हुई इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन फिल्म सिंघम अगेन के बारे में, रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी कोप यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म सिंघम अगेन, जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे सुपरस्टार अजय देवगन, सुपरस्टार अक्षय कुमार, साथ में थे रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, अर्जुन कपूर और साथ में जेके श्रॉफ। बताना चाहूंगा दोस्तों, 350 करोड़ के बजट में बनी सिंघम अगेन, जिस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें कई सितारे देखने को मिले थे और यह फिल्म एक इंडियन सिनेमा के बिगेस्ट फ्रेंचाइजी का 3रा भाग था, जिसके चलते दोस्तों कहीं ना कहीं पहले से ही उम्मीदें थी कि यह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई करेगी।
और दोस्तों बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब ये फिल्म 1 नवंबर दीपावली पर रिलीज हुई तो इस फिल्म ने अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग ली। वही फिल्म का वीकेंड कलेक्शन भी धमाकेदार रहा और फिल्म ने पहले हफ्ते में भी दुनिया भर से काफी तगड़ी कमाई की। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 का क्लेश हुआ, जिसके चलते इस मूवी को उतनी ज्यादा स्क्रीन नहीं मिली जितनी कि इस फिल्म को मिलना चाहिए था। और इसी वजह से दोस्तों यहां पर सिंघम अगेन ने पहले हफ्ते में जितनी दमदार कमाई की उतना ही कम कलेक्शन इस फिल्म का दूसरे और तीसरे हफ्ते में आया। हालांकि दोस्तों बढ़िया बात यह है कि यहां पर सिंघम अगेन को सिनेमा घरों में 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यह फिल्म अभी तक बॉक्स ऑफिस पर करती जा रही है धमाकेदार कमाई। और ऐसा लगता है दोस्तों कि जब तक अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रूल रिलीज नहीं होगी तब तक सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर ऐसे ही चलती रहेगी और इस फिल्म का भी फाइनल कलेक्शन पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ रहेगा। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए सिंघम अगेन के अब तक के यानी कि 18 दिनों के वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने भी शुरुआती 16 दिनों के अंदर 247.82 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया था। वही फिल्म ने अपने तीसरे रविवार यानी कि 17वें दिन 4.23 करोड़ रुपए की कमाई की। अब दोस्तों आज है मंडे, जिसके चलते इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी में भी कल के मुकाबले एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला और वही आज मंडे होने की वजह से इस फिल्म की टिकट रेट्स भी कम हो चुकी है। हालांकि दोस्तों वीकडेज में तो हर फिल्म के कलेक्शन कम हो जाते हैं, उसी तरह सिंघम के भी आज से थोड़े कलेक्शन कम आना शुरू हो चुके हैं। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक अजय देवगन की सिंघम अगेन अपने 18वें दिन लगभग 2.20 करोड़ रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों सिंघम अगेन का शुरुआती 18 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 254.25 करोड़ का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 302.55 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, फिल्म ने इंडिया ग्रोस कलेक्शन के मामले में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। वही दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 76.35 करोड़ रुपए की टोटल कमाई की है। इसी के साथ दोस्तों सिंघम अगेन का 18 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 378.90 करोड़ रुपए का हो चुका है और आने वाले दिनों में यह फिल्म भी दुनिया भर में 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर देगी। यानी कि दोस्तों दीपावली के मौके पर रिलीज हुई सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 दोनों ही फिल्में दुनिया भर में 400 करोड़ जरूर कमाने वाली है। दोस्तों अब अगर बात करें इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट पेन इंडिया फिल्म कंगवा के बारे में, डायरेक्टर शिवा के डायरेक्शन में बनी एक्शन ड्रामा पीरियड फिल्म कंगवा, जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे सूर्या और उनके साथ में थे बॉबी देओल, दिशा पाटनी। बता दो दोस्तों 350 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और भी ढेर सारी भाषाओं में रिलीज किया था। अब दोस्तों फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन सूर्या के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग ली, लेकिन फिल्म के बजट के हिसाब से इस फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन उतना और बेहतर हो सकता था। लेकिन दोस्तों कमाल की बात यह है कि फिल्म ने हिंदी मार्केट में भी एक डिसेंट कमाई की। वही फिल्म के साउथ कलेक्शन तो खराब रिव्यूज के बावजूद भी काफी शानदार रहे। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि कंगवा फिल्म जिसे हिंदी मार्केट में अच्छा खासा प्रमोट किया गया था, वही इस फिल्म को हिंदी में बहुत सारी स्क्रीन पर रिलीज किया था, जिसी के चलते इस फिल्म ने हिंदी मार्केट से एक तगड़ी कमाई की। हालांकि बात करें यहां पर कंगवा के 5 दिनों के वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले आपको फटाफट बता देते हैं इस फिल्म के हिंदी कलेक्शन, उसके बाद जानेंगे 5 भाषाओं के वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि कंगवा फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों के अंदर ही हिंदी नेट कलेक्शन 8.63 करोड़ रुपए का किया था, वही चौथे दिन कमाए थे 3.17 करोड़ रुपए। बता दो दोस्तों आज मंडे है, जिसके चलते इस फिल्म के भी हिंदी वर्जन को काफी ड्रॉप देखने को मिला और जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक ये फिल्म 5वें दिन हिंदी मार्केट में लगभग 1.80 करोड़ रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों कंगवा मूवी का शुरुआती 5 दिनों में हिंदी नेट कलेक्शन 13.60 करोड़ रुपए का हो चुका है, तो हिंदी ग्रोस कलेक्शन 16.18 करोड़ रुपए। बता दो दोस्तों इस फिल्म के जो हिंदी थिएट्रिकल राइट से वो 35 करोड़ रुपए में बिके थे और इस फिल्म को हिंदी मार्केट में हिट होने के लिए मिनिमम 50 करोड़ रुपए के आसपास का नेट कलेक्शन करना होगा, जब जाकर यह फिल्म हिंदी में हिट कहलाएगी, जो कि अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन देखते हैं कि लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में यह फिल्म हिंदी में कहां तक की कमाई करती है। वहीं पे दोस्तों अब अगर बात करें कंगवा फिल्म के 5 भाषाओं के वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन की, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह बता दें कि जो आपको इस फिल्म के मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताने वाला हूं ना, वो प्रोड्यूसर फिगर है, मतलब कि ट्रेड फिगर और प्रोड्यूसर नंबर में यहां पर बहुत ज्यादा फर्क है, जिसके चलते मैं आपको क्लियर बता दूं कि यह वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो प्रोड्यूसर की तरफ से बताया है वही मैं आपको बता रहा हूं।
हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों कंगवा फिल्म ने फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 58 करोड़ 62 लाख रुपए का किया था, वही दूसरे दिन कमाए थे 30 करोड़ 70 लाख रुपए, और इसी के साथ फिल्म का 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 90 करोड़ 32 लाख रुपए का हो चुका था। वही दोस्तों प्रोड्यूसर के हिसाब से फिल्म ने तीसरे दिन दुनिया भर में 38 करोड़ 32 लाख रुपए की कमाई की थी, और फिल्म का 3 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 127 करोड़ 64 लाख रुपए का हो चुका था। बताना चाहूंगा दोस्तों आपको, बता दें कि यहां पर प्रोड्यूसर के हिसाब से ये फिल्म चौथे दिन दुनिया भर में लगभग 36 करोड़ 21 लाख रुपए कमा चुकी है। अब बात करें आज यानी कि पांचवें दिन की, तो दोस्तों फिल्म को जिस तरह पांचवें दिन ऑक्यूपेंसी मिली है उसके हिसाब से ये मूवी सभी भाषाओं से दुनिया भर में पांचवें दिन लगभग 8.5 करोड़ रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों कंगवा मूवी का जो 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो हो रहा है 172 करोड़ 35 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, प्रोड्यूसर के हिसाब से ये फिल्म 5 दिनों में दुनिया भर के अंदर 172 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर रही है। अब दोस्तों फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए है, तो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग हासिल करने के लिए अभी तो और भी काफी ज्यादा कमाई करना होगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के जो डिजिटल थिएट्रिकल राइट्स है ये ऑलरेडी बजट से भी कहीं ज्यादा महंगे बिक चुके थे। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस साल की सबसे बड़ी फिल्म पुष्पा 2 के बारे में, तो सुकुमार सर के डायरेक्शन में बनी पुष्पा 2 जिस फिल्म में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फाहद फासिल देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों आपको बता दें कि पुष्पा 2 5 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म की रिलीज डेट में अब मुश्किल से 2 हफ्ते का समय बाकी है। ऐसे में दोस्तों पुष्पा 2 का जो धमाकेदार ट्रेलर है वो कल फाइनली रिलीज हो चुका है। अब दोस्तों मेरी राय पूछी जाए तो यहां पर पुष्पा 2 से मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें थी और लग रहा था कि इसका ट्रेलर और भी बेहतर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेलर मेरी उम्मीदों से थोड़ा कम निकला। हालांकि दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि यहां पर ट्रेलर और फिल्में पब्लिक के लिए बनती है, मतलब कि जो लोग टिकट देकर फिल्म देखने जाते हैं उनके लिए, ना कि मेरे जैसे यूट्यूबर्स के लिए। तो सबसे पहले आपको यह बता दूं कि भले ही ट्रेलर मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन पब्लिक के नजरिए से देखे जाए तो भैया ये फिल्म बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से फाड़ के रख देगी, क्योंकि दोस्तों यहां पर पुष्पा 2 एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है और जिस तरह फिल्म की कहानी, जिस तरह फिल्म की थीम है उसके हिसाब से यहां पर पुष्पा 2 के मेकर्स ने पूरी तरह से वैसा ही ट्रेलर बनाया है जिसे देखने के बाद मास ऑडियंस सिनेमाघर की तरफ इस फिल्म को देखने के लिए बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहां पर पुष्पा 2 के ट्रेलर में जो एक्शन सीक्वेंस दिखाए हैं वो पूरी तरह से कमाल के हैं। साथ ही साथ अल्लू अर्जुन का जो स्वेग है वो भी पूरी तरह से नेक्स्ट लेवल का है। सबसे बढ़िया बात दोस्तों यह है कि लगभग 2.5 से 3 मिनट के इस ट्रेलर में फिल्म की जो पूरी कहानी है उसे रिवील नहीं किया, मतलब कि अल्लू अर्जुन अर्धनारेश्वर का रोल क्यों बनाते हैं, साथ ही साथ एक चिता जलती हुई दिखाई है, वहां पर कौन मरा है, क्या केशवा या फिर श्रीवल्ली, यह भी रिवील नहीं किया। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी हिडन चीजें बताई है जिसे देखने के बाद ऑडियंस ये जानने के लिए एक्साइटेड हो जाएगी कि आखिर फिल्म में क्या होगा। तो दोस्तों पूरी तरह से यहां पर पुष्पा 2 की जो हाइप है ऑलरेडी काफी तगड़ी बनी हुई थी और इस तरह के धमाकेदार ट्रेलर के बाद इतना कंफर्म हो चुका है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से फाड़ के रख देगी और कम से कम इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का रहेगा। जी हां दोस्तों, यहां पर फिल्म 1000 करोड़ की कमाई तो 100% करेगी, उसके बाद अगर फिल्म अच्छी हुई तो शायद 1200-1500 करोड़ रुपए भी कमा सकती है और ज्यादा ही अच्छी हुई तो शायद बाहुबली 2 के भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो दोस्तों अल्लू अर्जुन के पास इस वक्त पूरा चांस है कि वो इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर RRR का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी और अगर फिल्म धमाकेदार हुई तो शायद बाहुबली 2 या फिर दंगल के भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि जब ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी तो सिनेमाघरों को पूरी तरह से हाउसफुल कर देगी। बाकी दोस्तों आपको पुष्पा 2 का ट्रेलर कैसा लगा और आपको क्या लगता है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग लेगी, 200 करोड़ 250 करोड़ या 270 करोड़ या फिर 300 करोड़ रुपए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।